बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं लेके आई हूँ गंदम की रोटी से बनने वाला एक पिज़्ज़ा फ्लेवर्ड वाला सैंडविच रेसिपी आप लोगों के साथ लेके आई हूँ, ठीक है। जिसमें मैं पिज़्ज़ा सॉस जो है वो मस्ट है, और इसके अलावा डिफरेंट सॉस ऐड करूँगी। आप कोई भी जो आपके फेवरेट सॉस है वो लगा सकते हैं, ठीक है। वेजेज़ भी, जो भी आपकी फेवरेट वेजेज़ है, टोमेटोज, अनियन और कैप्सिकम और कोकम्बर, दीज आर माई मोस्ट फेवरेट वेजेज़। तो मैं ये सारी वेजेज़ इसमें यूज़ करूँगी। मेरा एक सैंडविच स्प्रेड है जो मैं खुद ही घर बनाती हूँ, ये जो मैं अभी स्प्रेड कर रही हूँ, ये मेरा फेवरेट है, ये मैं लगा रही हूँ। पिज़्ज़ा सॉस इसमें मस्ट है। अच्छा, जो वेजेज़ हैं वो ऑप्शनल है, आप ग्रिल करके भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे कच्ची पसंद है तो मैं कच्ची यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा जो चिकन टिक्का मैं इसमें लगाऊँगी, तो वो चिकन भी ऑप्शनल है। वैसे मैं इसमें यूजली चिकन नहीं लगाती हूँ, लेकिन चूंकि मैंने बच्चों के लिए चिकन टिक्का फ्राई किया था, तो मेरे पास था तो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। वरना बिलीव मी, ये विदाउट चिकन भी इतना मज़े का पिज़्ज़ा वाला फ्लेवर आता है इस सैंडविच का। अपने फेवरेट सॉस, फेवरेट वेजेस आपने लेनी है उनको, सिर्फ इसमें पिज़्ज़ा सॉस मस्ट है, वो आप ज़रूर लगाइएगा। वो आप गंदम की रोटी लेके इस तरह सारे सॉसेज वेजेस को स्प्रेड करके इसमें अच्छे से पिज़्ज़ा के स्लाइस की शेप देके इनको फिर आप रोल कर लें। कोई भी शेप दे सकते हैं सैंडविच को भी आप, ठीक है। तो मैंने ये सारे अपने फेवरेट सॉसेज इसमें लगाए हैं, और ये बहुत ही, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा पे हम जाके इतने पैसे खर्च करते हैं, ये उससे ज़्यादा मज़े का है। किसी दिन मैं आपको जौ की रोटी से भी बनाना सिखाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही। मुझे आयशा शिराज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।